हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो इसमें रूट फॉर्म यूज़ होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किसके साथ एस आएगा, किसके साथ ई एस आएगा वर्ब में, वो भी हमने डिस्कस किया। एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब जो है, या सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन सी आएगी, और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर माना जाता है और कौन सा प्लूरल माना जाता है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज में ये रहेगा कि इसका यूज़ कहाँ करना है, यानी ये टेंस हमें यूज़ कब करना है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, देखो नंबर वन तो ये है कि इसमें रिपीटेड एक्शंस रहते हैं। कोई भी एक्शन जो है वो डेली रिपीट होता है, यानी हम डेली वर्ड यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इररेगुलर भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि डेली वॉक पे जाना, रेगुलरली आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक रिपीटेड एक्शन है। ज़रूरी नहीं है अभी हो रहा है, वीक में एक बार हो सकता है, मंथ में एक बार हो सकता है, दिवाली हम साल में एक बार मनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, शी ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे, ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे, ठीक है। अब देखो उसका आना, संडे को हमेशा आना, एक तो ये ऑलवेज पे आप ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो शी ऑलवेज कम्स हेयर, यहाँ मैंने आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस यूज़ किया शी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा आना, कब, संडे को, ज़रूरी नहीं है रोज़ आना, बट संडे को, यानी वंस अ वीक हो गया ये। तो एक तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, एक एडवर्ब मिल रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और दूसरा ये क्या चीज़ है, उसका एक हैबिचुअल एक्शन कह सकते हो आप, रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। या तो उसकी यहाँ आने की एक हैबिट है, ठीक है, हैबिचुअल, या फिर एक रिपीटेड एक्शन, ओके। ये तो हो गया इसका कि उसका संडे को आना, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। अब देखो ऊपर वाले में तो हमें ये पता लग रहा है कि ऑलवेज मतलब वो हमेशा ही करती है, हमेशा मतलब संडे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कोई एडवर्ब तो नहीं मिल रही, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग को देखना होगा कि किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, अब विदाउट शुगर लेता है तो रोज़ ही विदाउट शुगर लेता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हमने वर्ब फिल की है। कुछ एडवर्ब्स जो होती है वो हमारी यहाँ हेल्प कर सकती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो, तो इसे हम एडवर्ब्स बोल देते हैं कि एडवर्बियल्स जो पहचान है उसमें हमें जनरली क्या मिल सकता है। ऑलवेज ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऑलवेज आने पर यही भरना है, बट कुछ हमें हिंट मिल सकता है, ऑफन आ सकता है यहाँ पर, डेली मिल सकता है आपको, क्योंकि डेली देखिए इवन पास्ट का भी रह सकता है, बट अकॉर्डिंगली, जैसे अब यहाँ पे तो विदाउट शुगर जो है यहाँ मैं पास्ट तो मेंशन नहीं कर रखा, तो इसका मतलब डेली की हैबिट है उसकी, ठीक है। ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली हो सकता है, इरेगुलरली हो सकता है, क्या डिफरेंस है रेगुलरली, रेगुलरली और रेगुलरली में मतलब नियमित रूप से, इरेगुलरली अनियमित रूप से, डेली होता है हमेशा, और इसके साथ एक ऑलवेज वर्ड ये भी हमेशा ही हो गया। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर या नॉट डेली बट अक्सर, इरेगुलरली हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले एक बोला कि ये वंस अ वीक है, ठीक है, तो एक वंस अ वीक हो सकता है, वंस अ डे हो सकता है, ठीक है, वंस की जगह पर ट्वाइस हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, दिन में एक बार, दिन में दो बार, वंस अ वीक, वंस अ मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डेफिनेटली हमें पता लग जाता है कि इसमें हमने कौन सी फॉर्म भरनी है, कि वंस अ वीक ऐसा होता है। अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है, वंस अ वीक भी हो सकता है या फिर पास्ट में एक बार भी हो सकता था, है ना। पास्ट में एक बार हम कह सकते हैं कि वंस अ डे वो ऐसा करता था, दिन में एक बार ऐसा करता था, ठीक है, बट सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब आता है कि दो बार या ऐसा थ्राइस भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे हम कहें कि फ्रीक्वेंटली है, ओकेजनली है,
ओकेजनली वो यहाँ आता है, जैसे दिवाली पे आ गया, होली पे आ गया, आता है, ठीक है, आता है। तो थोड़ा सेंस ऐसा निकलना चाहिए कि वो रिपीटेड एक्शन है। ओकेजनली हो सकता है या फिर आपका फ्रीक्वेंटली हो सकता है, जिसमें मैंने बताया कि दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका और यूज़ कहाँ हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि और इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा माई हाउस फेसिस ईस्ट। देखो यहाँ पे फेसिस वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया है V1, और फेसिस का मतलब होता है जैसे कि हमारा घर जो है वो ईस्ट में, हमारा घर का जो दरवाज़ा खुलता है उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। तो आप ये फेसिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, कंटिन्यू में नहीं लेके जा सकते। दूसरा ये नहीं है कि पहले फेस करता था अब नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक परमानेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। एक तो देखिए हमने जैसे वर्ब यूज़ की थी ना, ये एक एक्शन वर्ब होती है, एक सिर्फ कोई स्टेट होती है, इसको आप परमानेंट स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमानेंट स्टेट। दूसरा जो आप देखोगे वी हेयर विद आवर ईयर्स, देखिए ऐसा तो है नहीं कि भी आज तो हम कानों से सुन रहे हैं, कल हम आंखों से सुनने लग जाएंगे। दैट इज ऑल्सो, ये एक एक्शन वर्ब है। हेयर का मतलब होता है सुनना, वो एक स्टेट है, सिर्फ उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक्शन हो रहा है, हमेशा का एक्शन है, ये एक परमानेंट एक्शन है। तो ये हमारा हो गया परमानेंट एक्शन। तो इसमें आप समझ सकते हो कि एक तो साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि एक वर्ब स्टेट है और एक वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब है, और दोनों ही परमानेंट है। तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अभी मैंने पहले कानों से सुना था और अब जो है वो मैं अपने आँखों से सुन रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, यानी कि परमानेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रोज स्मेल्स स्वीट, हमेशा ही यही भी परमानेंट रहेगा कि इसका जो एक्शन है स्मेल करने का, स्वीट स्मेल हमेशा ही आएगी। द रोज स्मेल स्वीट, यानी जो रोज़ की खुशबू होती है वो मीठी है, ये तो है नहीं कि आज मीठी है और कल जो है वो बीटर हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, सोर हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये भी एक परमानेंट है। तो ये भी आप यहाँ पे परमानेंट फैक्ट कह सकते हो, एक्शन कह सकते हो। द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस, तो वो आपने देखे कि और हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ये हमारा हो गया परमानेंट एक्शन या स्टेट में। इसमें आइएगा द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस, अब ये क्या है, ये एक न्यूज़ की हेडलाइन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं न्यूज़ हेडलाइन। अब ये न्यूज़ की हेडलाइंस में भी हम क्या करते हैं, इसी टेंस का यूज़ करते हैं। और ये क्यों किया जाता है कि न्यूज़ को थोड़ा सेंसेशनल बनाने के लिए, सनसनीखेज न्यूज़ आप सुनते हो ना, उस तरीके से इसे बनाने के लिए इसका भी जो यूज़ है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब टू मर्डर्स, ये भी न्यूज़ का ही है, एस्केप, एस्केप फिर आपकी V1 है यहाँ पर, टू मर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर V1 की प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है, तो ये भी आपकी न्यूज़ हेडलाइन है, दो मर्डर भाग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आप देखेंगे कि अकबर तो पास्ट का था, लेकिन फिर भी हमने कॉल्स लिखा, यहाँ आस्क लिखा, देखिए नाउ अकबर कॉल्स बीरबल, अकबर बीरबल को बुलाता है और कहता है, आगे कुछ भी कहता हो वो, आगे हमने दोनों ही में जो है वो प्रेजेंट को यूज़ किया। ये एक्चुअली क्या है, है तो पास्ट की इवेंट, लेकिन जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिन्हें हमें एकदम क्लियरली एक ऐसा दिखाना होता है कि ये फ्रेश न्यूज़, मतलब फ्रेश स्टोरी है, तो अब अकबर आता है और बीरबल से कहता है, मतलब कहा पहले लेकिन अभी हम उसको स्टोरी की तरह एकदम फ्रेश बनाकर बताना चाहते हैं, तो इसको एक्चुअली हिस्टोरिक प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, इसे हिस्टोरिक प्रेजेंट के में भी आपको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है हिस्टोरिक प्रेजेंट। तो एक्चुअली होता तो ये इवेंट्स तो पास्ट की है, और पास्ट इवेंट्स को, पास्ट की कोई भी घटना को अगर हमें थोड़ा ऐसे कह सकते हो कि जीवंत बनाने के लिए, तो हम उसमें प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ऐसा ही सेम सेंटेंस में है, एट लास्ट, आखिरकार, राम किल्स रावणा, राम जो है वो रावण को मार देता है। ये तो नहीं बोला हमने राम ने रावण को मारा, लेकिन हमने क्या बताया, हमने कहा कि आखिर में राम रावण को मार देता है, मतलब हमने अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करके बताया ताकि वो और ज़्यादा फ्रेश लगे, ठीक है, क्लियर बताने के लिए। कुछ और एग्जांपल से देखते हैं कि इसका और यूज़ कहाँ किया जा सकता है। देखो द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रेन वैसे तो है कि 4:30 बजे जाएगी, बट ये हमेशा ही 4:30 बजे जाती है,
ठीक है, हमेशा ही। तो एक टाइम टेबल्ड हम कह सकते हैं फ्यूचर इवेंट, हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी जो एक टाइम टेबल के समय सारणी के अनुसार जो चाहेगा, तो वे एक रेगुलर एक्शन भी कह सकते हो आप, एक उसका है तो नियमित एक्शन ही कि 4:30 बजे ही जाती है, कभी कभार लेट हो जाती है एक अलग बात है। तो टाइम टेबल्स इसको कह सकते हो फ्यूचर इवेंट, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली है। इसमें कई बार जैसे इसमें आपको मिलेगा, नेक्स्ट में देखिए क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंडे, ये आपका है एक है तो टाइम टेबल डी, इसको भी कह सकते हो कि पहले से फिक्स किया हुआ है। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो कि प्लान्ड है, फ्यूचर में प्लान किया हुआ है आपका, बट है वो पहले से ही प्लान्ड, तो हम इसको कह सकते हैं कि प्लान फ्यूचर के लिए कोई भी इवेंट जो आपने करना है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट। तो ये हो गया फ्यूचर का, इवेंट तो फ्यूचर का ही है ये, लेकिन क्योंकि फिक्स है इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ किया। इसी तरह से इसमें देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, टुमारो तो आपको ये बताता है कि फ्यूचर का इवेंट है, आएंगे, बट ये इसका फिक्स प्लान है, तो आप यूँ कह सकते हो कि फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान के लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये दो देखिएगा, इसमें ये ऑथर है, केट्स एक ऑथर है जो कि पोइट्री मतलब लिखा करता था, पोइट है यहाँ पर। तो किड्स सेज, किड्स कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वो तो हमेशा ही रहेगी, कोटेशन है एक तरह से, इसको आप कई जगह पे सेइंग प्रोवर्ब या फिर कोटेशन या किसी भी ऑथर की कही हुई लाइंस एज इट इज़ आपको लिखनी होती है, पास में नहीं जा सकती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर का मतलब होता है कोई भी जो थिंग ब्यूटी की चीज़ है वो हमेशा जॉय देती है, इन्जॉय करते हो आप उसको, जॉय देती है। इसमें आप वॉज नहीं कर सकते हो, यानी ये भी इज, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, एज इट इज़ रहेगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है मैन इज मॉर्टल, ये एक आपकी सेइंग है, प्रोवर्ब कह लीजिए इसे, कहावत कुछ भी, तो ये एक हो गया मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ इज ही रहेगा हमेशा, कोई चेंज नहीं रहेगा। आदमी नश्वर है, आदमी का नाश होता है, ही इज़ नॉट इमॉर्टल, वह इमॉर्टल नहीं है, तो मैन इज मॉर्टल, नश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ये आपका हो गया एक साइंटिफिक फैक्ट, यानी यहाँ पे आप क्या कहेंगे, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, यानी हमेशा जो भी साइंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ सही है वो हमेशा वो ही रहेगी। आइस जो है मेल्ट होती है, वाटर जो है वो फ्रीज होता है, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर अगर वो आ जाए तो फ्रीजिज, ठीक है, हमेशा ही होता है ऐसा। आई लाइक, अब ये जो लाइक वर्ड है यहाँ पर, ये एक्चुअली लाइक और डिसलाइक के लिए भी आप जो है वो इन इसी में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखिए, आई लाइक योर ड्रेस, इट इज़ ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे क्या है, आप लाइक जहाँ वर्ड दिखे आप लाइक्ड भी कर सकते हैं, पास में भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप यहाँ पे आई एम लाइकिंग योर ड्रेस नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स हैं जो हम कंटिन्यूस में पढ़ेंगे कि किसको जो है वो आप प्रोग्रेसिव यानी उसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं ing फॉर्म लगाकर, तो वो लिस्ट हम कंटिन्यू में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ देखिए कि लाइक और डिसलाइक के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। आई लाइक योर ड्रेस, मुझे आपकी ड्रेस पसंद है, इट इज़ ब्यूटीफुल, यह सुंदर है, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ये। गावस्कर हिट्स द बॉल ओवर द फेंस, ये आपकी होगी रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री में, रनिंग कमेंट्री स्पोर्ट्स पे हो सकती है, स्पोर्ट्स इवेंट पे हो सकती है, कोई फंक्शन है उस पे रनिंग कमेंट्री चल सकती है, तो उसमें भी आपका यही टेंस यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो है हम पास्ट टेंस को करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस पहले करेंगे, या फिर हो सकता है हम प्रोग्रेसिव और इसमें डिफरेंस के साथ करें कि किस में आप यूज़ करेंगे, तो आप देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें, लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।